आज के इस वीडियो में हम मनाली से दिल्ली तक की जर्नी फ्लिक्स बस से करने वाले हैं, तो आइए चलते हैं। यह है मनाली की खूबसूरत सोलांग वैली, यहाँ का नज़ारा अद्भुत है। यह खूबसूरत मनाली का मॉल रोड, इसी मॉल रोड पर मनाली का HRTC बस स्टैंड भी है। यहाँ से दिल्ली कई अन्य शहरों के लिए बसेस अवेलेबल हैं। ये है प्राइवेट बस स्टैंड, ये है प्राइवेट मनाली का बस स्टैंड, और काफ़ी वॉल्वो बसेस और अदर लग्जरी सेगमेंट की बसेस खड़ी हैं। काफी खूबसूरत नजारा है, हर तरफ लग्जरी वॉल्वो स्कैनिया बसेस हैं। पार्किंग बड़ी गंदी है यार, जो बर्फ गली है तो काफी गंदगी हर तरफ, इसका बड़ा ही कम याद है। ये रही फ्लिक्स बस, ये है हमारी काफी साफ सुथरी लग्जरी फ्लिक्स बस की वॉल्वो 9600। हेलो, लो पार्क कर लो, लो भैया बात कर लो। हेलो, तो फाइनली शाम के 6:30 पर राइट टाइम हमारी फ्लिक्स बस निकल चुकी है मनाली से। We
भैया दिल्ली कब तक पहुंच जाएंगे हम भैया? सुबह टाइम होगा आपके पास? 6:30 का टाइम है, 6:30 बजे पहुंचेंगे। अभी हम कुल्लू में एक छोटे से टाउन दुवारा से गुजर रहे हैं। यह है बियासर। कुल्लू वैली के रात के नज़ारे देखिए, हर तरफ टिमटिमाते हुए घर जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। जल्द हम भूंटार पहुँचेंगे।
लगभग रात के 8:20 हो चुके हैं। हम पहुंच चुके हैं भुंटर। अभी रात का 8:30 बज रहा है और अभी हम हैं ऑट। ऑट में हमारी बस का 10 मिनट का रेस्ट स्टॉप हुआ। यह है ऑट टनल, जिसे हम कुल्लू द्वार के नाम से भी जानते हैं। 10 में काफी लोग दारू पीकर उपद्रव मचा रहे हैं, जिसका मजा आप वीडियोस के जरिए ले सकते हैं। स्लोली स्लोली होले होले वो चालू पति है ना, बने दम बने जाए। क्या बना तो गुजरात
अभी हम काफ़ी लंबे हानोगी टनल से गुजर रहे हैं। ये टनल काफ़ी शानदार है। भगवान न करे जो आनंदी लाल का के साथ हुआ वो आपके साथ हो। उसने भाई मुझे बोला कि मैं घर पर मत आइयो। मनाली से मंडी तक का रास्ता कई जगह काफी खराब है। ज्यादा पीलल बड़ा था, ज्यादा पीलल बड़ा फिर इतना तेज कौन बात करता है? फिर भी ना वो बताओ उतारो यार। क्या बोला था मम्मी ने? एक बार ना कहना ही पड़ता है कि जब हम लोग वैसे मिला तो रास्ता बहुत टूटी है भैया। 500 रुपया भेज चुका टूटी है रास्ता तो क्या करें अब। हाईवे कितने देर में मिल जाएगी हम लोग की? अभी कहाँ हाईवे, अभी तो दिल्ली मनाली हरियाणा रोडवेज की बस हमें क्रॉस कर रही है। काफी खतरनाक थ्रिलिंग रास्ता है ये, दिन में मजा ही आ जाता है। तो गाइस यहाँ पे दारू पीने के बाद के नजारे देखिए। क्या पियो आज? आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। हेलो, कौन सा बटन था? देसी ठर्रा था। बोलो भैया, कौन सा बटन था? देसी ठर्रा था। मुंबई मैजिक मूवमेंट में ये स्थिति है। क्या हो गया भाई? भाई बहुत हल्ला कर रहे हो। स्टॉक रखे हो या फिर नहीं? चिल्लाओ, समझ में आ रहा है? स्टॉक रखे हो तो चिल्लाओ, स्टॉक नहीं रखे हो तो मत चिल्लाओ। वो तो छोड़ गए आप। भाई साहब मजा करो, अरे यार अकेला हो, कौन तुमको मारने गाली देने जा रहा है? तुम ही तंग किए जा रहे हो सबको। तुम इतने सारे हो ना, मैं अकेला हूँ तभी तुम मजे ले रहे हो ना। मैं मजे नहीं है भाई, बता रहा हूँ तेरे को। भाई हम तुम्हारे साथ हैं।
तुम आगे बढ़ो एक टीम में। जय हिंद जय भारत। तुम आगे बढ़ो भगवान न करे जो आनंदी लाल साथ के साथ हुआ वो आपके साथ हो। आज गाड़ी तेरा भाई मेरा अभी मेरा फ्रेंड है एक्चुअली मेरा फ्रेंड जो कोई नहीं ब्रो सब सबको एंजॉय करता है सब यहां दोस्त है। सब मेरा फ्रेंड है अभी आगे पीछे पीछे वाली बाइक पर उसने आ रहे हैं गाड़ी में आ रहे हैं। भगवान न करे जो आनंदी लाल काट पीटिया के साथ हुआ वो आपके साथ क्या होगा यार। आप बिल्कुल वैसे आप वही वाली बात कर रहे हो यार। अरे भाई काट पीटिया को जानते भी हैं आप कितने बड़े आदमी हैं। रुको स्वागत है तुमको। चलो योगी जी से मिलना भैया। मैं अभी अभी तक मैं 15,000 रुपए खर्च करके बैठा हूँ यहाँ। 15,000 रुपए खर्च करके बैठा हूँ सिर्फ एक दिन के। नहीं नहीं वो नहीं पूछते फिर भी मैजिक बैठा मैजिक मोड फ्लेवर मैजिक मोमेंट। अरे यार फ्लेवर तो होगा एप्पल एप्पल मनाली से लिए होगा फिर मनाली से। हाँ इसीलिए 800 की पड़ गई। अपने दिल्ली में कितनी सस्ती पड़ती। अभी हम पांडो डैम के बगल से गुजर रहे हैं। पांडो डैम के पास रास्ता काफी खराब है। क्या हुआ था ये तो बता दो। चलो ठीक है दारू पी के अकेले चोरी किए जा रहे। ये हुआ था उसके साथ रात भर ठंडा लगा। भाई आनंदी लाल काट पीटिया को बहुत तेज बापू बस रुका ही नहीं। कई घटनाएं कई घटनाएं। हम लोग रास्ते भर इंजॉय करते चलते वो डायपर लेके बैठे हुए थे। हम लोग डायपर लेके बैठे डायपर लेके अब क्या हो जाए। बाइक बाइक देखो बाइक की वीडियो ब्लॉगर है ब्लॉगर है ब्लॉगर है ब्लॉगिंग का वो चैनल कौन सा है टॉम एंड जेरी भाई। टॉम एंड जेरी कार्टून। टॉम एंड जेरी कार्टून शो। गैस का इसको पीछे ले चलो बाबा लड़के को पीछे ले चलो बात पागल हो गया क्या नहीं लंबी है नहीं कितनी जानी है वो मैं लैब में टेस्टिंग पोर्टर में बताइए ऑल पोर्टर पैरामीटर्स मींस भगवान ने करे जो आनंदी लाल काट पीटिया के साथ हुआ वो आपके साथ। अब सांस पहले बोलना चाहिए इसको कटरा लेके चलो इस लड़की को फाइनेंस कर दिए क्या
अभी हंसी मजाक करते हम पहुंच चुके हैं पांडव डैम। यह है पांडव टाउन। मंडी से कुछ दूर पहले हम राजू ढाबा पर लगभग 30 मिनट के लिए रेस्ट स्टॉप के लिए रुके। ये एक एवरेज ढाबा है। रात के 11 बजे हम पहुंच चुके हैं मंडी। मंडी के नज़ारे देखिए। रात के 11:24 पर हम पहुंच चुके हैं सुंदरनगर।
सुंदरनगर के बाद नींद खुली तो रात के 2 बजे हम चंडीगढ़ शहर से गुजर रहे थे। देखिए चंडीगढ़ के नज़ारे, हर तरफ सन्नाटा ही है। नींद खुली तो सुबह का 7 बज रहा था और अभी हम समालखा से गुजर रहे हैं। हर तरफ जबरदस्त कोहरा है। हाईवे पर शानदार स्पीड से हम निकल रहे हैं। कुछ ही घंटों के सफर के बाद हम शिवा ढाबा मुरथल पहुंच चुके हैं। हर तरफ खाना कोहरा है। इस ढाबे की सर्विसेज भी जबरदस्त हैं। जी 6 बजे आ गए सर अवेलेबल नहीं कर।
बॉर्डर बंद होने की वजह से अब हमारी बस घूम रही है, देखते किस रूट से जाएगी। मेरे सामने इंटरटेन ट्रेवल्स की बस है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर बंद होने की वजह से हम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से होकर जाएंगे। सुबह के 8:50 हो चुके हैं। यह है राय। यहीं से हम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से बागपत बाईपास होते दिल्ली एंटर करेंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बागपत बाईपास। यहां से वजीराबाद होते दिल्ली जाएंगे।
खजूरी खजूरी गाड़ी का चलान हो गया पता नहीं क्यों। वो आपके साथ खड़े हैं पीछे जो घुमा रहे गाड़ियां। लोनी दिल्ली एनसीआर लोनी में सड़क का बुरा हाल है। सुबह के 10 बज चुके हैं, काफी डीले हो चुका है। ये है दिल्ली वजीराबाद। अभी अभी हम पास कर रहे हैं यमुना नदी पर बना सिग्नेचर ब्रिज। मजनू का टीला पहुंच चुके हैं हम, काफी भीड़ भाड़ है। तो फाइनली बस हमारी सुबह के 10:30 बजे मोनेस्ट्री मार्केट कश्मीरी गेट पहुंच चुकी है। तो ये जल्दी यहीं ख़त्म होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।